अलीगढ़ में राजा महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन रामघाट रोड स्थित पराग रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें विजयलक्ष्मी सिंह ने बताया कि सोमवार नवंबर को समूह की महिलाओं द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत धर्मपुर कोर्टयार्ड में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन सुबह 10 बजे होगा। इस मेले में समूह की बहनों द्वारा बनाए गए सामान की स्टॉल लगाई जाएगी, जिसमें अचार, डेकोरेशन, भगवान की पोशाक, कपड़े आदि सामान मिलेगा। इसके अलावा खाने पीने की दुकानें भी लगेंगी। मेले का उद्देश्य उन महिलाओं को बढ़ावा देना है जो अपने घर पर रहकर ही कार्य कर रही हैं, जिससे वे जागरूक होकर अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। इस मौके पर सोनिया सिंह आदि मौजूद रही। आज हम लोग राजा महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक मेले का आयोजन कर रहे हैं जो मिशन शक्ति के अंतर्गत है, और जो समूह की महिलाएं हमारी जो काम कर रही हैं अपने अपने घरों से, कोई सिलाई का कार्य कर रही है, कोई भगवान की पोशाक बना रही है, कोई अचार बना रही है, कोई खाने का काम कर रही है, इस तरह से बहुत सारी महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया है समूह बनाकर। तो वो अपने अपने समूह पे काम कर रही हैं। अब उनको सामान बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसको हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने उनके लिए एक मेले का आयोजन किया है जो धर्मपुर कोर्टयार्ड में हमने रखा है। तो वो वहाँ पर हमने स्टॉल लगाने के लिए उनको जगह दी है, जिससे कि वो दीपावली से पहले अपना सामान सेल कर सकें और अपने को थोड़ा सशक्त बनाएँ, मजबूत बनाएँ, अपना त्यौहार अच्छे से मनाएँ। उसके लिए हम लोगों ने उनके लिए एक कार्यक्रम रखा है, उसमें सभी स्टॉल लगेंगी, खाने का भी रहेगा और एक स्टॉल और रहेगी जो कि संस्कारों पर है। मिशन शक्ति जो सरकार द्वारा एक व्यापक रूप में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि महिलाओं का सशक्तिकरण या पढ़ाई को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर है, उनके रोजगार को लेकर है, संस्कारों को लेकर है, उसी के तहत सोसाइटी ने एक ये आयोजन रखा है। महाराणा प्रताप एनजीओ है, इसमें एक आयोजन रखा है जिसमें मेला स्टॉल लगाई जाएंगी, और जिसमें एक स्टॉल गर्भ से ही बच्चों को ज्ञान देने की भी स्टॉल लगा रहे हैं कि अगर माता चाहे तो बच्चे को कैसे गर्भ से ज्ञानवान बना सकती है। घर में बच्चा 80% सीख के आता है, उसके बारे में भी समझाया जाएगा। और कुछ प्रतिभाएँ जो घर में बैठी हुई हैं, जो कि मंत्रों द्वारा उपचार कर रही हैं कि झाड़ वो आपका जो काट लेता है ना कीड़ा, कोई भी बर काट लेती है, सांप काट लेती है, उसका भी इलाज कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो निशुल्क बच्चों को पढ़ा रही हैं। इस टाइप की महिलाओं को भी हम इन ऐसी प्रतिभाओं को वहाँ पे सम्मानित करेंगे और उसके उनको प्रोत्साहन मिले और दूसरों के सामने वो लोग आएँ। और ऐसे हमारे जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो इस तरह के उपचार होते हैं, इस तरह कार्यक्रम होते हैं, उसे दूसरे भी देखें और समझें उसको, उसी के लिए कार्यक्रम स्टॉल लगाई जा रही है। मेरे एक दिन मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में ही प्रेस वार्ता आज हमने रखी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भागीदार बन सकते हैं। धन्यवाद।